पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों ने चक्का जाम किया है। हाथों में बाल्टी लेकर वार्डवासियों ने चक्का जाम किया। राजनांदगांव शहर के नगर निगम क्षेत्र के नया ढाबा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके कारण वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई महीनों सालों से पानी की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है। वहीं त्योहारी सीजन होने के कारण लोगों को पानी की अधिक ज़रूरत है, लेकिन पर्याप्त मात्रा पानी नहीं मिल पाने के कारण वार्डवासी परेशान हैं। वहीं आज वार्डवासियों द्वारा अपनी पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय नागरिक वार्डवासी बसंत कुमार ने बताया कि 4 दिन हो गया है, अभी भी पानी की बहुत समस्या बनी हुई है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, पानी की सभी को ज़रूरत है। बहुत दिन से यह समस्या चल रही है, लेकिन अभी तक त्यौहार के कारण भी पानी की समस्या बनी हुई है। अभी तक पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं इसको लेकर वार्डवासी महिला सुमित्रा रजक ने बताया कि लोग पानी के लिए चक्का जाम किया गया है, नल लगाया गया है, लेकिन नल से पानी नहीं आने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निस्तारी के लिए तालाब का पानी भी बहुत गंदा है, जिसके कारण पानी की समस्या बनी हुई है। टैंकर के माध्यम से पानी आता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने के कारण परेशानियों की समस्या लगातार बनी हुई है। पानी नहीं मिलने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना वार्डवासियों को करना पड़ रहा है। लगातार नगर निगम में शिकायत के बावजूद भी अभी तक पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया जा सका है, जिसके कारण लोग पानी के लिए परेशान हैं। वहीं चक्का जाम कर पानी की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया और जल्द से जल्द पानी दिए जाने की मांग की गई है। और क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे जल्द से जल्द दूर करने की मांग वार्डवासियों द्वारा की गई है। पानी के लिए इसलिए चक्का जाम हुआ है कि हमारे ढाबा में 2-3-4 दिन हो गया, अभी पानी की बहुत समस्या है और दिवाली आ रहे नज़दीक, सबको बहुत ज़रूरी है ना। और बहुत दिन से भी ये समस्या चल रहा है, लेकिन हम लोग आज तक शिकायत नहीं किए हैं, इसलिए शिकायत कर रहे हैं और हड़ताल लगा हुआ है इसलिए हमारा, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अनमोल चीज़ है। पानी मुहर्रम इतना पानी है, पानी इतना बरसात हुआ, लेकिन पानी की समस्या बस ढाबच में होता है, बाकी दिन नहीं होता। हम लोग पानी के लिए चक्का जाम किए हैं, यहाँ पे नल लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा, सिर्फ हवा, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। तालाब में जाते हैं, तालाब में भी इतना गंदा है पानी कि वहाँ कपड़े धोने की भी इच्छा नहीं होती, नहा भी नहीं सकते, वहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा। और टैंकर भी आता है प्लस, तो उसमें पानी भी ठीक से नहीं देते, 2-3 खेप झोंकते हैं टैंकर चले जाते हैं, ऐसी कहाँ से पूर्ति होगा बताओ आप, कुछ नहीं हो सकता। इसे पानी आना ही चाहिए, नल में आता भी नहीं पानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी पानी नहीं आता।